एक साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 1 से 1.5 साल तक, क्योंकि कोई भी कंपनी 1 साल बैटरी वारंटी देता है तो उसमें 5-6 महीना जैसे 18 महीना 19 महीना एक्स्ट्रा चलता है। आप लोग बैटरी का बारे में मत सोचिए। मैं कभी भी कोई भी गाड़ी भी देता हूँ, अगर 40-45 का रेंज में भी गाड़ी देता हूँ आप लोगों तक, तो आप लोगों को बैटरी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो, और फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों बैटरी वारंटी वाला गाड़ी। आपको बहुत सारे ऐसे दिखा दिए बिना बैटरी वाला, अब बैटरी वारंटी का गाड़ी का बारे में आ गया। बहुत सारे स्टॉक आ चुका है अभी तक, मेरे पास 2 गाड़ी फ्रेश में आ चुका है दोस्तों। एक है दोस्तों हॉप प्ले बोल के गाड़ी है, और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है दोस्तों हॉप प्ले। और दूसरा है दोस्तों अप्सरा कंपनी का गाड़ी, आप लोग जानते हैं टॉपेस्ट मॉडल अप्सरा का, उसमें भी 10 मंथ बैटरी वारंटी है, इसमें भी 10 मंथ बैटरी वारंटी है, और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। पहले बताते हैं जो हॉप प्ले बोल के जो गाड़ी है दोस्तों, यह दोस्तों न्यू मॉडल गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। इसमें 10 मंथ का बैटरी लगा हुआ है, अभी तक 1 साल वाला बैटरी लगा हुआ है, 10 मंथ अभी बाकी है, 2 मंथ ही हुआ है। गाड़ी में दोबारा बैटरी दिया गया है दोस्तों, गाड़ी लगभग 1.5 से 2 साल का गाड़ी है, पर आपको दिखने में पता नहीं चलेगा कि 1.5 से 2 साल का गाड़ी है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी है, थोड़ा मोड़ा काम है गाड़ी में, जैसे होल्डिंग फोल्डिंग ये सब काम हो चुका है, काम करने का दरकार नहीं है, बाकी लाइट वाइट हॉर्न वॉरन सब फ्रेश गाड़ी है। साइड में देख रहे हैं चारों तरफ से आपको फोटो दिखाई दे रहा है, गाड़ी बहुत ही खूबसूरत में है, और गाड़ी का बैटरी वारंटी 10 मंथ के होने के कारण गाड़ी का प्राइस भी बहुत ही कम ही है दोस्तों। आप गाड़ी टॉपेस्ट मॉडल का भी गाड़ी मिल रहा है आपको, और गाड़ी का बैटरी बता दें दोस्तों, गाड़ी का बैटरी जो लगा हुआ है वो 130 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, और ईस्टमैन का बैटरी लगा हुआ है। अभी जो नया कंपनी है ईस्टमैन, अभी मार्केट में इतना डिमांडेड बैटरी है दोस्तों, आपको बहुत ही खूबसूरत, कोई भी कंपनी जब मार्केट में लॉन्च होता है तो वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रोवाइड करता है जो भी कंपनी हो, क्योंकि मार्केट में उसको कब्जा करना है, मार्केट में दबदबा बनाना है, इसी कारण बैटरी आपको अभी सॉलिड ही मिलता है ईस्टमैन का। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी कंपनी का, आप कोई भी बैटरी कंपनी का दुकान में जाइए, आपको बोलिए ईस्टमैन का बैटरी आपको सर कैसा लगता है कैसा है, तो आपको उसका बारे में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ही बताएगा, अच्छा ही बताएगा, क्योंकि अभी इसका रेटिंग भी बहुत ही हाई है बैटरी के मामले में। और गाड़ी का इसमें बैटरी का बहुत सारे वेरियंट है, 130 एम्पियर 100 एम्पियर का भी वेरियंट आता है। अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों या होप प्ले बोल के जो गाड़ी है, अगर लेना चाहते हैं, इसका प्राइस लगभग आपको 75 लगेगा दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, ब्लू कलर में आपको देख सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, बाद में कोशिश कीजिएगा, अभी तो नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि गाड़ी अभी पर डे निकल रहा है। आप लोग बोलते हैं कि सर हम लोग आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, बाकी जब गाड़ी निकल जाता है उसके बाद आप लोग आते हैं, उसके बाद आप गाड़ी खोजते हैं तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर आपको दूसरा गाड़ी ले जाना पड़ेगा वही रेट में वही अच्छा। ऐसा नहीं कि गाड़ी निकल जाने के बाद और गाड़ी नहीं है मेरे पास, गाड़ी मैं आपको अवेलेबल दिखाऊंगा, जो भी गाड़ी पसंद होगा वही गाड़ी दिखाऊंगा। और दूसरा जो गाड़ी है दोस्तों अप्सरा कंपनी का गाड़ी, बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है। आप लोग खोजते हैं, बहुत सारे लोग खोजते हैं अप्सरा, सर अप्सरा हाई मॉडल्स दिखाइए। अप्सरा का 3 मॉडल है, तीनों वेरियंट बहुत ही खूबसूरत है, मार्केट में बहुत ही चल रहा है अप्सरा कंपनी का गाड़ी। नाम जैसा अप्सरा है, कंपनी भी वैसे ही अप्सरा है, गाड़ी भी बहुत ही स्मूथ चलता है इसका गाड़ी। गाड़ी में तीनों टायर में आप देख सकते हैं अलॉय रिंग है, स्टेपनी भी अलॉय रिंग है, बहुत ही सब हाईएस्ट क्वालिटी का सामान इसमें दिया गया है दोस्तों। और गाड़ी बहुत मजबूत है, थोड़ा भारी गाड़ी है, इसमें हाईएस्ट एम्पियर का बैटरी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अभी बैटरी चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 130 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है और 10 मंथ बैटरी वारंटी है। आप लोग अभी 1 साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 1 से 1.5 साल तक, क्योंकि कोई भी कंपनी 1 साल बैटरी वारंटी देता है तो उसमें 5-6 महीना जैसे 18 महीना 19 महीना एक्स्ट्रा चलता है। आप लोग बैटरी का बारे में मत सोचिए। मैं कभी भी कोई भी गाड़ी भी देता हूँ, अगर 40-45 का रेंज में भी गाड़ी देता हूँ आप लोगों तक, तो आप लोगों को बैटरी ऐसा देता हूँ कि 2-3 महीना 4 महीना आराम से चले। अब आप अगर खोजिएगा 100 किलोमीटर चले, 150 किलोमीटर चले जिसमें बैटरी वारंटी नहीं है, तो वो कैसे चलेगा दोस्तों, वैसा नहीं चलता है। जैसे बैटरी का उम्र होने के कारण जैसे बैटरी वारंटी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा पावर कम जाता है बैटरी का। जैसे पहले 100 किलोमीटर देता है तो वह 90 देगा 80 देगा 70 देगा, वैसे वैसे करके नीचे उतरते जाएगा, उसके बाद पूरा डेड हो जाता है बैटरी। हालांकि वो 2-2.5 साल हो जाने के बाद ही डेट होता है, ऐसे डेट नहीं होता है कि कोई कंपनी अगर वारंटी देता है 6 महीना 10 महीना 15 महीना 18 महीना, तो वो उतना तक चलता ही ज़रूर है। और बैटरी एक बात बता दूं दोस्तों, बैटरी कभी भी चारों बैटरी एक साथ ख़राब नहीं होता है। आप लोग मन में शक हमेशा शक पैदा करते हैं, सर बैटरी तो पूरा ख़त्म हो गया, चारों बैटरी कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। बैटरी में प्रॉब्लम एक में ही आता है, आप लोग चारों बैटरी एक्सचेंज करवा देते हो वो आपका गलती है, कंपनी कभी नहीं बोलता कि आप चारों बैटरी एक्सचेंज करवाइए, चाहे इसको चेंज करवाइए,
कंपनी अपना फ़ायदा देखता है इसलिए चारों चेंज कर देता है। आप लोग बैटरी फर्स्ट में नपवाइए, बैटरी को देखिए कौन सा बैटरी ख़राब है, उसके बाद उसको एक्सचेंज कर दीजिए। आप पुराना बैटरी से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं जिसमें 12 वोल्ट हो, वोल्ट कम जाने के कारण बैटरी बैकअप नहीं देता। आप लोग गलत हमेशा गलत सोचते हैं कि सर चारों बैटरी ख़त्म हो गया, उसके बाद कंपनी वाला भी फ़ायदा उठा लेता है आपका और आप लोग बैटरी चेंज करवा देते हैं, 30-40 हज़ार रुपये आप लोग पे कर देते हैं। कभी भी बैटरी पूरा ख़त्म नहीं होता, आप लोग को यही बात बताना चाहता हूँ। कोई भी बैटरी कोई भी कंपनी में आप जाइए, फर्स्ट में बैटरी को चेक करवाइए, बैटरी चेक करवाने के बाद आप देखिए उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। 12 वोल्ट का नीचे, 11 वोल्ट से जो नीचे दिखाएगा वो बैटरी ख़राब है। आप कंपनी वाला को भी बोलिए सर ये चार बैटरी में से चेक कीजिए जिसमें वोल्ट कम हो, जिसमें 12 वोल्ट से 10 11 वोल्ट से अगर 12 या 11 वोल्ट से कम हो वही बैटरी ख़राब होता है। आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, नया भी लगवा सकते हैं, या आप सेकेंड हैंड ही कोई जो बैटरी चेंज करवाता हूँ उसी में से किसी का 12 वोल्ट बैटरी आप चढ़ा सकते हैं। आपका बैटरी बैकअप माइलेज सेम टू सेम आपका न्यू जैसा हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, कोई कोई बैटरी में एसिड भी डलवाता है, हालांकि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एसिड डलवाने से माइलेज बढ़ जाएगा या नया जैसा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। आप लोग मन में डाउट मत रखें, एसिड फेसिड डालने का गलती मत कीजिए, उससे अच्छा चेंज करवा दीजिए एक बैटरी जो ख़राब है, उससे आपका फ़ायदा होगा, आप लोग लॉस में नहीं रहिएगा। तो दोस्तों बता दें, अप्सरा कंपनी का प्राइस भी बताना होगा आप लोगों को, 130 एम्पीयर का बैटरी लगा हुआ है, अगर लेना चाहते हो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस भी आपको 75 लगेगा, आइएगा तो कुछ कम बेसी इसमें हो जाएगा। पर जो होप प्लस जो गाड़ी है दोस्तों उसमें आपको 75 ही लगेगा। अगर आप आते हैं कोई बार्गेनिंग नहीं होगा, कोई भी कम नहीं होगा, आप 75 पे कीजिएगा तभी आपको गाड़ी मिलेगा। जो अप्सरा कंपनी है इसमें थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप कम करवा सकते हैं, अगर कम होता है तो कम हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक। और जिसमें कम होने का चांस नहीं होता दोस्तों उसमें कम नहीं होगा। अभी नेक्स्ट कल ही एक गाड़ी बंदा लेके गया 35 हज़ार में, लास्ट में वो गाड़ी जब यहाँ पर आया तो 32 हज़ार पे कर रहा, बोला 3 हज़ार बाद में देंगे। वो बात का बाद ही हो गया, बाद वाला सिस्टम आप कभी मत रखिए। बाद में ये बात कभी मत बोलिए कि बाद में हम पे कर देंगे, घर जाके पे कर देंगे, ऐसा कोई नहीं पे करता है दोस्तों। गाड़ी जाने के बाद सब अपना अपना रास्ता में निपट जाता है, और उसके बाद हम लोग भी क्या कर सकते हैं, आप नहीं दिए तो आप उससे तो कोई मारपीट कर ही नहीं सकते, फ़ोन में आप बात ही कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं, इसीलिए हम लोग बाद वाला सिस्टम नहीं रखते दोस्तों। अगर आपके पास फुल कैश है चाहे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या कैश में पे कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, बाद वाला सिस्टम नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट में भी नहीं होता है। आप अगर EMI में खोज रहे हैं तो EMI में भी नहीं होगा दोस्तों, मैं फुल डिटेल्स आपको बता देता हूँ। आसनसोल में आइए, आप कॉल कीजिए, मैं आपके साथ मिलूँगा, गाड़ी दिखाऊँगा, उसके बाद गाड़ी लेने के बाद आपको जो मुझे पे करना पड़ता है 1000-2000 जो भी, आप अगर अपना इच्छा के अनुसार 1000 से 2000 आप कर सकते हैं मुझे गाड़ी लेने के बाद। अगर गाड़ी नहीं लेते हैं तो मैं 1 रुपया भी डिमांडेड नहीं करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं पैसा के लालच में आप लोगों को गाड़ी दिला देता हूँ, मैं YouTube के वीडियो से भी पैसा कमाता हूँ, ऐसा बात नहीं। पर हालांकि मैं इसलिए आपसे पैसा मांगता हूँ कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, गाड़ी खोज रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों तक बातचीत कर रहा हूँ, बाद में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं, उससे कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसी कारण मुझे खटना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से 1000 या 2000 रुपये डिमांडेड करता हूँ। उसके बाद आप नहीं देते तो बाद में कोई हेल्प के लिए भी आप गुंजाइश ना रखें कि हेल्प करूँगा बाद में, आप मुझे कॉल भी नहीं कर सकते, इसीलिए बता देते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों तक। अगर आप कभी भी यह मैं कॉन्टेस्ट करते रहता हूँ, गिववे करते रहता हूँ, अगर आपका चांस लग गया तो आपको डिस्काउंट भी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट गाड़ी में डिस्काउंट भी 10 से 20 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, किसी का मदद हो जाएगा, जो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई अगर गाड़ी खोज रहा है, आप अगर गाड़ी नहीं लेना चाहते आपके पास है तो आप दूसरे को शेयर कर दीजिए जो गाड़ी लेना चाहते हैं कम प्राइस में बैटरी बैकअप के साथ। अगर मेरे पास कम बजट का भी गाड़ी है 25, 30, 35, 40 आप जो भी लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आप आइए कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद आप कॉल कीजिए, जान लीजिए कि मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है। हालांकि गाड़ी अवेलेबल हमेशा रहता है पर मैं ही अवेलेबल अभी फ़िलहाल कई दिन से नहीं रहता हूँ, 1-2 दिन गैप हो जाता है मेरे से। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार यही बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।